हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं बेस्ट 5 फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूं अंडर 10,000 के। तो दोस्तों, जो सबसे अच्छे फ़ोन गेमिंग फ़ोन है, मैं उनकी बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, हमारा पहला फ़ोन है ओप्पो A12। ओप्पो A12 के इस फ़ोन में 6.22 इंच का HD डिस्प्ले मिलता है, जिसमें कैमरे की बात करें तो दोस्तों 13 MP 2 MP रियर कैमरा है और 5 MP का फ्रंट कैमरा है। इस फ़ोन में 4230 mAh की बैटरी दी गई है, जिससे हमें गेम खेलने में बहुत ही फ़ायदा होगा। इसके अलावा फ़ोन में मीडियाटेक हीलियो P35 प्रोसेसर है, 4 GB रैम और 64 GB तक स्टोरेज में मिलता है। दोस्तों, फ़ोन की शुरुआती कीमत 7,990 रुपये है। तो दोस्तों, यह मोबाइल बहुत ही अच्छा है, जो कि हम इसमें पबजी गेम और फ्री फायर खेलने लायक यह मोबाइल बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे मोबाइल फ़ोन की। दूसरा मोबाइल फ़ोन है रियलमी सी फिफ्टीन। फ़ोन में दोस्तों 6,000 mAh की बैटरी मिलती है, जिससे हमें पबजी गेम खेलने में बैकअप ही बहुत अच्छा होता है। फ़ोन में 6.52 इंच का HD प्लस डिस्प्ले है और 13 MP 8 MP 2 MP प्लस 2 MP का रियर कैमरा है। मतलब इस फ़ोन में 4 कैमरे हैं, जिसमें 13 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP का रियर कैमरा सेटअप है और 8 MP का इसका फ्रंट कैमरा है। इसके अलावा फ़ोन में मीडियाटेक हीलियो G35 गेमिंग 11 NM ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया है। इसमें 4 GB तक का रैम है और 64 GB तक का इंटरनल स्टोरेज है, जो कि गेम खेलने में बहुत ही फ़ायदा है। इसकी शुरुआती कीमत 8,999 रुपये है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा दूसरा फ़ोन। हम तीसरे फ़ोन की बात करते हैं। तो तीसरा फ़ोन है हमारा टेक्नो स्पार्क 70 में 48 MP का कैमरा लगा हुआ है। दोस्तों, डुअल कैमरा है ये और 8 MP का सेल्फी कैमरा लगा है। इसके डिस्प्ले की बात करें तो 6.52 HD प्लस IPS डिस्प्ले है और इसका बैटरी बैकअप दोस्तों 6,000 mAh की बैटरी है। फ़ोन में हेलियो G35 गेमिंग प्रोसेसर दिया है, जिससे हमें गेम खेलने में बहुत ही मज़ा आएगा। इसमें 4 GB रैम और 128 GB तक का स्टोरेज है। तो इसकी कीमत दोस्तों 8,999 रुपये है। दोस्तों, हम फ़ोन की बात करें तो अब चौथे नंबर पे सैमसंग गैलेक्सी M11 है। तो दोस्तों, इसका डिस्प्ले 6.4 इंच का इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है और इसमें बैटरी 5,000 mAh की बैटरी है, 4 GB तक का रैम और 64 GB तक का स्टोरेज मिलता है। इस फ़ोन में पीछे 13 MP प्राइमरी कैमरा के साथ 2 अन्य सेंसर दिए गए हैं। तो दोस्तों, सेल्फी के लिए फ़ोन में 8 MP का कैमरा मिलता है या कोलालम स्नैप ड्रैगन SDM 450 F01 ऑक्टा कोर प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा इसमें 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 9,499 रुपये है। तो दोस्तों, यह फ़ोन भी बहुत ही दमदार है। और दोस्तों, अगर अब हम पांचवें फ़ोन का बात करें तो दोस्तों, पांचवा फ़ोन हमारा वीवो का है, वीवो U10। इसमें दोस्तों 6.35 इंच का HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है और इसमें 18 W फास्ट चार्जिंग है, जिससे कि हमारे मोबाइल बहुत तेज़ ही चार्ज होता है। तो दोस्तों, इसमें 5,000 mAh की बैटरी लगी है, जो कि हमको बैकअप अच्छा देता है। फ़ोन में पीछे 13 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP का कैमरा दिया हुआ है, 3 सेटअप कैमरा है। आगे 8 MP का सेल्फी कैमरा है। इसमें 4 GB रैम के साथ 64 GB तक का स्टोरेज और कोलालम स्नैपड्रैगन 665 है AIE प्रोसेसर मिलता है, जिससे गेम खेलने में बहुत ही मज़ा आता है। इसकी कीमत 9,499 रुपये से शुरू होती है। तो दोस्तों, हमने पांच मोबाइल आपको ऐसा बताया जो अंडर 10,000 रुपये के अंदर आप खरीद सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छे गेमिंग फ़ोन है। तो दोस्तों, आप बारी बारी से हर मोबाइल का जो हमने आपको बताया है स्टोरीज को सुनकर आप एक अच्छा मोबाइल चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।